अपने देश में कभी केंद्रीय कर्मचारी तो कभी राज्य कर्मचारियों को देर से वेतन मिलने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब भारतीय क्रिकेटरों को भी समय से सैलरी नहीं मिल पाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय टीम 3 महीने के लंबे दौरे के लिए ब्रिटेन रवाना होने वाली है, लेकिन अभी तक उन्हें नई सैलरी नहीं मिली है, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट पर 5 मार्च को ही साइन हो गए थे। ऐसे में शुक्रवार को जब प्रशासकों की समिति COA के विरोध में होने वाली BCCI की विशेष बैठक में यह मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। बता दें कि भारतीय खिलाड़ी 23 जून को ब्रिटेन, आयरलैंड और इंग्लैंड के लंबे दौरे के लिए रवाना होगी, जो करीब 3 महीने लंबा होगा। बता दें कि BCCI के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास हैं, अगर बैठक में कल नई और रिवाइज्ड सैलरी को मंजूरी मिल जाती है तो मैं इस पर साइन कर दूंगा। अगर वे इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो मेरे हाथ बंधे हैं। किसी भी नीतिगत फैसले को आम सभा की मंजूरी की ज़रूरत होती है और मैं नियम नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लग रहा कि खिलाड़ियों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा। आपको बता दें कि नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक A+ में आने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, ए ग्रुप के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए, बी ग्रुप वालों को 3 करोड़ और सी ग्रुप के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। पता चला है कि खिलाड़ियों ने नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन COA से गहन चर्चा के बाद ही किए थे। इसी के हिसाब से COA ने 7 मार्च को नई सैलरी संरचना के हिसाब से 27 खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए थे। इसके अलावा BCCI बैठक में ICC से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, जिसमें 2021 में भारत में होने वाली ICC वर्ल्ड T20 भी शामिल है। अब देखना यह है कि मैदान पर कड़ी मेहनत के बदौलत हमेशा जीत हासिल कर देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का वेतन कब तक मिलता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।